हरिओम नमस्ते सभी को मेरा प्रणाम। मैं अक्षय नेगी, यानी कि योग साधक वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, जिला किन्नौर का रहने वाला हूँ, तहसील निचार गांव रूपी का रहने वाला हूँ। आइए आज के सत्य को हम शुरू करते हैं प्रार्थना मंत्रों के साथ। अपने स्थान पे बैठ जाना है। दायां टांग को बाएं टांग के ऊपर रखना है इस तरह से, यानी कि सिद्धासन में बैठना है। पीठ कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ध्यान मुद्रा लगाकर बैठना है, आंखें बंद, लंबा गहरा सांस लेना है। और धीरे धीरे खाली करना है। लंबा गहरा सांस लेना है और धीरे धीरे खाली करना है। लंबा गहरा सांस लेना है और धीरे धीरे खाली करना है। पेट कमर को ढीला छोड़ना है, चेहरे को ढीला छोड़ना है, पेट को ढीला छोड़ना है। परमात्मा का ध्यान करना है। अपने इष्ट देवते का ध्यान करना है, अपने गुरुओं का ध्यान करना है, अपने माता पिता का ध्यान करना है। पेट कमर को ढीला छोड़ना है। आइए लंबा गहरा सांस लेते हुए एक साथ ओम का उच्चारण करेंगे। प्रार्थना मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्सः तस्य विदुर्भरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयः। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् कुर्मारुकवेव वंदना मृत्योर्मोक्षी अमामृता। ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। लंबा गहरा सांस लेना है और धीरे धीरे खाली करना है। चेहरे को ढीला छोड़ना है। ध्यान मुद्रा को हटाते हुए दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाते हैं। धीरे धीरे सांस लेते हुए तलिए को आसमान की ओर करना है। दोनों हाथों को एक साथ मिलाना है। सांस छोड़ते कोने मिलाते आंखों के सामने दोनों हाथों को घर्षित करना है। दोनों हाथों की ऊष्मा का जल अपनी आंखों के ऊपर लगवाना है और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलनी है।
अपने स्थान पे खड़े होना है। आइए, जैसे कि कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, हम अंतर्राष्ट्रीय योग प्रोटोकॉल अभ्यास करते हैं। टांगों के बीच थोड़ा सा गैप देना है, यानी कि कंधों के बराबर, और दोनों हाथ कमर पर रखना है। सांस लेते हुए गर्दन को धीरे धीरे दाईं ओर लेके जाना है, धीरे धीरे। और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आना है। सांस लेते हुए गर्दन को धीरे धीरे बाईं ओर लेके जाना है, साह छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आना। सांस लेते हुए गर्दन को धीरे धीरे दाईं ओर लेके जाना है, साह छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आना है। सांस लेते हुए गर्दन को धीरे धीरे बाईं ओर लेके जाना है, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आना है। अगला पाठ करेंगे, सांस लेते हुए गर्दन को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाना है। सांस लेते हुए धीरे धीरे गर्दन को दाईं ओर झुकाना है, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आना है। सांस लेते हुए गर्दन को धीरे धीरे बाईं ओर झुकाना है, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आना है। सांस लेते हुए गर्दन को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाना है, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आना है। एक सांस लेते हुए गर्दन को धीरे धीरे बाईं ओर झुकाना है, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आना है। थर्ड पार्ट, सांस लेते हुए गर्दन को पीछे की ओर लेके जाना है, धीरे धीरे। और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर। थोड़ी को छाती के साथ लगाना है। सांस लेते हुए गर्दन को पीछे की ओर लेके आना है, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर लेके जाना है। नेक्स्ट, दाईं ओर से सांस लेते हुए गर्दन को गोल गोल घुमाना है, और बाएं ओर से सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आना है। दाईं ओर से सांस लेते हुए गर्दन को गोल गोल घुमाना है, और बाएं ओर से सांस छोड़ते हुए वापस। बाईं ओर से भी ऐसे ही करेंगे।
बारी बार से सांस लेते हुए गर्दन को गोल घोल घुमाना है और दहाई और शीशा छोड़ते हुए वापिस आना। फ्लैक्स अगला अभ्यास करेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाना है, धीरे धीरे सहजता के साथ पूरा ध्यान के साथ और दोनों हाथों को एक साथ मिलाना है। और शांत छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस नेक्स्ट हाथों को ऊपर और शोल्डर्स पे रखना है, कोने मिलाना है एक साथ। सांस लेते हुए दोनों कोने को गोल गोल घुमाना है, कंधों को गोल गोल घुमाना है और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आना। सांस लेते हुए कोने मिलाते हुए गोल गोल कंधों को घुमाने हैं और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस आना। बाहर से अंदर की ओर ऐसे करेंगे। सांस लेते हुए कोहनिया लाते हुए और सांस छोड़ते हुए वापिस। घुटनों की ओर बढ़ते हैं, दोनों हाथ सामने बाजू सामने शांत होते पूरा नीचे बैठना। पीठ कमर बिल्कुल सीधी रखनी है और सामने की ओर देखना है, कुछ देर होल्ड करना है और सांस छोड़ते हुए वापस आना। आइए अब करते हैं कुछ आसनों का अभ्यास। सबसे पहले ताड़ आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है और सांस लेते हुए पंजों के ऊपर खड़े होना है, एड़ियों को जमीन से ऊपर रखनी है, पेट कमर को खींचना है, पूरा शरीर आसन को करने से हाइट बढ़ती है और एकाग्रता बनती है। सांस छोड़ते हुए वापस आना है। एक बार और करेंगे। सांस लेते हुए बाजुओं को बिल्कुल सीधा रखना है, कोहनियों को बिल्कुल सीधा रखना है और पंजों के ऊपर खड़े होना है। और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। साइड से नीचे धीरे धीरे अगला आसन कर देंगे। वृक्ष आसन का अभ्यास। दाएं टांग को मोड़ कर दाएं टांग पर रखना है इस तरह से।
सांस लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाना है। और सांस होते हुए धीरे धीरे वापिस बाएं ओर से भी ऐसी करेंगे। सांस होते हुए धीरे रिलैक्स। अगला आसन का अभ्यास करेंगे। फर्स्ट उत्तान आसन का अभ्यास, सांस लेते हुए दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाना है। धीरे धीरे जितना पीछे की ओर जा सकते हैं और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और आसन का अभ्यास करेंगे। टांगों के बीच गैप देना है। त्रिकोण आसन का अभ्यास है। सांस लेते दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाने हैं और सांस होते हुए धीरे धीरे दाएं ओर झुक जाना है। सांस लेते हुए वापिस आना है। और सांस छोड़ते हुए बाईं ओर झुक जाना है। और दायां हाथ को देखना है। सांस लेते हुए वापिस आना है। रिलैक्स। अब पैर जाना है अपने स्थान पे। अब बैठने वाले कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले दंडासन में बैठना है इस तरह से। सांस लेते हुए दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाना है। धीरे धीरे हथेलियों को आसमान की ओर करना है और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है जितना आप झुक सकते हो। पहले इतना झुकना है पूरा, फिर सांस लेते थे
वापिस आना है और सांस होते हुए रिलैक्स। एक बार और करते हैं श्वासन का अभ्यास। एक साथ सांस लेते हुए दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाना है, धीरे धीरे तलियों को आसमान की ओर लेके जाना है। और जितना पीछे जा सकते हो आप, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकना है। अगला आसन का अभ्यास है वक्रासन। दाएं कान को सर से मोड़ना है, पीछे की ओर लेके आना है और दाएं हाथ पीछे की ओर रखना है। सांस लेते हुए हाथ छोड़ते हुए वापिस आना है धीरे धीरे। दाएं टांग को बिल्कुल सीधा करना है। दाएं टांग से भी ऐसे करेंगे। इस आसन को करने से कितनी ठीक रहती है, रिलैक्स करते हैं। अगला आसन है वज्रासन। सांस लेते हुए दाएं टांग को पीछे की ओर लेके आना है। दाएं टांग को भी पीछे की ओर लेके आना है। दोनों पैरों के अंगूठे एक साथ मिलाना है पीछे। एडियो पे गैप होना चाहिए, पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इस आसन को खाना खाने के बाद भी किया जाता है। इस आसन को करने से डाइजेस्ट सिस्टम सही रहता है हमारा। अब इसी आसन में बैठ के हम करेंगे मंडूकासन का अभ्यास। दोनों मुट्ठियों को नाभि के अंदर लगाना है, सांस लेना है और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है धीरे धीरे। सामने की ओर देखना है। इस देर होल्ड करना है। सांस लेते हुए वापिस आना है धीरे धीरे। एक बार और करेंगे। अब करेंगे घुटनों का बल वाले आसन। घुटनों के बल खड़े होने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। अब से पहले करेंगे अर्धपुष्टासन का अभ्यास। जितना आप झुक सकते हो उतना झुकना है। बहुत अच्छा आसन है। वापिस आना है जिससे पूरा होता है।
करेंगे शीर्षांक आसन का। एक बार और करेंगे इस आसन में थोड़ी और छाती लगाने की कोशिश करनी है जमीन पे। अब पेट के बल लेटने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। पीठ दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन है और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस आना है। सांस लेते हुए ऊपर की ओर देखना है, आकाश की ओर देखना है और शांत होते हुए। अब करेंगे सर्प आसन का अभ्यास। दोनों हाथों को थाइस पर रखेंगे और सांस लेते हुए दायां टांग उठाएंगे जितना ऊपर उठा सकते हैं। और सांस छोड़ते हुए वापिस सांस लेते हुए दायां टांग उठाना है। और सांस छोड़ते हुए वापिस हाँ से दोनों टांगों को एक साथ ऊपर उठाना है जितना आप उठा सकते हो। सांस छोड़ते हुए वापिस बाया करवट छूते हुए पीठ के बल आना है।